गरीब के लिए नई टेंशन, सादा रोटी 20 नान 30 रुपए करने की तैयारियां। फाइन आटे की बोरी 1300 रुपए महंगी हो चुकी, पुराने निरखों पर रोटी बेचना मुश्किल हो गया। सदर मुतहिदा नान रोटी एसोसिएशन आफ्ताब गुल का मौकिफ, हुकूमत से आटे की कीमतों में फौरी कमी का मुतालबा। सियासी शख्सियात की पुश्त पनाही, माफिया गंदुम ब्लैक करने लगा, आटे की पेशावर स्मगलिंग का इंकशाफ। लाहौर में गंदुम 4,350 रुपए फी मन हो गई, 15 किलो आटे का थैला 1900 रुपए पर जा पहुंचा। मुलजमान की मिली भगत, सब्सिडाइज आटे का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं, एंटी करप्शन को दरखास्त मंजूर। यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ के दरवाजे बंद, खवातीन की सस्ते घी और ऑयल के लिए कितारें। बंद रोड के मकीन सब्सिडाइज रशिया की खरीदारी में नाकाम, एक वक्त का खाना बनाने के लिए जिल्लत उठाना पड़ रही है, खवातीन भटपड़ी। स्कूलों में दो हफ्ते की छुट्टियों की तोसी जेरे गौर, जुडिशियल वाटर एंड एनवायरमेंटल कमीशन का महकमा एजुकेशन को खत। मौसम सरमा की तातीलात में इजाफे का कह दिया, इकदाम का मकसद स्मोक की रोकथाम है। जराए के मुताबिक छुट्टियों में तोसी का नोटिफिकेशन कल हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिसंबर अपना रंग दिखाने लगा, शहर में कमाल की ठंड, दांत बजने लगे। लाहौर का कम से कम पारा 5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लकड़ी और कोयले की कीमत में 200 रुपए फीमन इजाफा, लकड़ी 1400 से बढ़ाकर 1600 रुपए फीमन हो गई, कोयले की कीमत 100 रुपए से बढ़कर 120 रुपए पर जा पहुंची। सर्दी बढ़ते ही गैस को भी ठंड लग गई, गरीब के चूल्हे एक बार फिर बुझ गए, दर्जनों इलाकों में कम प्रेशर की शिकायत। शिराज टाउन बागड़िया टाउन वालों के सब्र का पैमाना लबरेज, खवातीन के गैस दो बिल लो के नारे। बिजली के सारफीन को लोड शेडिंग के झटके, सनतों के लिए बिजली की 4 घंटे बंदिश का नया शेड्यूल जारी, घरेलू सारफीन को भी मुश्किलात उठाना होंगी। लेस्को को 200 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना, गुलशन रावी राजगढ़ समनाबाद समेत कई इलाकों में बिजली बंद होने लगी। एलडीए के पास ठेकेदारों को अदायगी के लिए फंड्स खत्म, खजाना खाली होने पर शोबाई फाइनेंस ने हाथ खड़े कर दिए, टाउन प्लानिंग ईस्ट मैनेजमेंट पर बोझ बढ़ गया। टाउन प्लानिंग 8 अरब में से बमुश्किल पौने 2 अरब ही इकट्ठे कर सका। पीटीआई की अदम तवज्जोही, 15 टीचिंग अस्पतालों में मुस्तकिल एमएस की तैनाती इल्तवा का शिकार। सर्विसेज अस्पताल गंगाराम, जनरल मियां मुंशी, यकी गेट, लेडी एचएसएन अस्पताल में एमएस का ओहदा खाली। वजीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को भी एमएस न मिला। सेशन कोर्ट में 3,30,00,000 से नया रिकॉर्ड रूम बनेगा। जुडिशियल एकेडमी के मजीद 2 फ्लोर्स की तैयारी के लिए 5 करोड़ जारी। कश्मीर रोड पर वाटर ड्रेनेज स्कीम के लिए भी 32 करोड़ रुपए मिल गए। उधर शादरा मोड़ मल्टीग्रेड मेगा प्रोजेक्ट के लिए 8 कंपनियों ने कागजात जमा करा दिए। विमेन इंडस्ट्रियल स्कूल शादरा खस्ताहाली का शिकार, छत और दीवारों में दरारें, खिड़कियां भी नहीं। स्कूल प्रिंसिपल ने हुकाम की तवज्जो दिला दी। उधर सरकारी स्कूलों में क्लासरूम्स की तैयारी में करप्शन का इंकशाफ, एजुकेशन अथॉरिटीज से 31 दिसंबर तक फंड्स का रिकॉर्ड तलब। बाबा फरीद कॉलोनी का शेख इमामदीन रोड टूट फूट का शिकार, ठेकेदार ने सिवरेज के पाइप बिछाने के लिए सड़क खोदी फिर वापस ना आया, अहले इलाका का गली की फौरी तामीर का मुतालबा। डायरेक्टर पासपोर्ट खालिद मेमन से मेहमन लोया जुर्गा की मुलाकात, पख्तून बिरादरी को पासपोर्ट के हसूल में मुश्किलात पर तबादला ख्याल। पासपोर्ट के इजरा के लिए मुबैना रिश्वत लेने पर इमिग्रेशन पासपोर्ट ऑफिस सगिया का अमला तब्दील, राशिद सत्तार को शादमान से तब्दील करके इंचार्ज सगिया लगा दिया गया। सेक्रेटरी आपाशी राय मंजूर नासिर का तबादला, जहानजेब लाबर डेप्टी सेक्रेटरी सर्विसेज महकमा सर्विसेज तैनात, अब्दुल रऊफ मेहर को डेप्टी सेक्रेटरी कैबिनेट लगा दिया गया। टीपा के 8 अफसरान की ग्रेड 19 में तरक्की, इकरार हुसैन, हमादुल हसन, मोहम्मद असद, जुनेद अली भट्टी, इनामुल हक के नाम शामिल।
महकमा एक्साइज के 7 इंस्पेक्टर्स के तबादले। मलिक जियाउल हक का डीजी खान से लाहौर में तबादला। इंस्पेक्टर आमिर मकसूद भट्ट को मुल्तान से लाहौर रिपोर्ट करने का हुक्म। सजाद अहमद, नवाजिश अली, करामत अली का भी लाहौर में तबादला। चौधरी सालिक हुसैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सीनियर नायब सदर मुकर्रर। चौधरी शुजात हुसैन ने सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मुशावरत के बाद तैनाती की मंजूरी दी। सेक्रेटरी जनरल तारिक बशीर चीमा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ख्वाजा रफीक शहीद की 44वीं बरसी पर सेमिनार। ख्वाजा साद रफीक की इमरान खान पर लफ्जी गोलाबारी। कहा जमहूरियत और सियासत की रेड लाइन को क्रॉस ना किया जाए। ख्वाजा आसिफ, खालिद मकुल सिद्दीकी, सीनियर सहाफी और एंकर पर्सन हामिद मीर का भी इजहार ख्याल। पंजाब असेंबली में एतमाद के वोट का मामला। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जेर सदारत पार्टी की आदत का इजलास। उस्मान बुजार, फवाद चौधरी समेत दीगर शख्सियात से भी मुलाकात। इमरान खान को काफ लीग से सीट एडजस्टमेंट पर ब्रीफिंग दी गई। बिजली चोरी वाले बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट डालने का फैसला। सार्फीन से 46 रुपए फी यूनिट डिटेक्शन बिल चार्ज होगा। डायरेक्टरेट ऑफिस कस्टमर सर्विसेज ने तमाम दफातर को पॉलिसी जारी कर दी। 6 माह का फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट सरचार्ज भी लिया जाएगा। डॉलर की कदर में मामूली इजाफा। 18 पैसे इजाफे के बाद 225 रुपए 82 पैसे का हो गया। उधर सोने की कीमत में 1300 रुपए का इजाफा। 1 तोला खालिस सोना 1,76,100 रुपए का हो गया। 2022 में सेशन कोर्ट से 30 मुलजमान को सजाए मौत हुई। 1,000 मुलजिम इश्तिहारी करार पाए। कैप्टन रिटायर्ड सफदर शहबाज गिल, इमरान खान के केसेस की सुनवाई हुई। अली जफर, मीशा शफी, टिकटॉकर आयशा, भोला रिकॉर्ड के केसेस मरकजे निगाह रहे। अदालतों में मौसम सरमा की तातीलात का आगाज हो चुका। साल 2022 सियासतदानों पर भारी रहा। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना, ममनुआ फंडिंग, साइफर के मामले सामने आए। नवाज शरीफ की इंटरपोल के जरिए वापसी की दरखास्त मुस्तरद हुई। हाई कोर्ट ने गवर्नर का परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया। शिफा कड़ाही तिक्का, लक्ष्मी चौक के खिलाफ हर जाने का दावा। मजन के मोहम्मद मूसा ने ऑर्डर के मुताबिक गोश्त ना देने पर दावा दायर किया। सारिफ अदालत ने दुकान मालिक को 13 जनवरी को तलब कर लिया। तजावजात शहर का बड़ा मसला बन गया। लंडा बाजार, नौलखा, यकी गेट, सर्कुलर रोड, अकबरी मंडी में से गुजरना भी मुहाल हो गया। रेहड़ियों, स्टॉल्स और चावड़ी फरोशों की भरमार। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और जिले इंतजामिया ने भी चुप साध ली। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जेर सदारत इजलास। अब्दुल्ला खान सुंबल को तालीम, सेहत, हाउसिंग, पीएनडी, ट्रांसपोर्ट और महकमा खजाना की कारकर्दगी पर रिपोर्ट पेश। तरक्याती मंसूबों में पेशरफ्त का जायजा। पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी का इजलास। सेक्रेटरी सेहत अहमद जावेद काजी की ब्रीफिंग। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि अवाम सेहत कार्ड से मुफ्त इलाज की सहूलत से मुस्तफीद हो रहे हैं। उधर पंजाब मजदूर कार्ड का इजरा, वजीर लेबर अंसर मजीद खान ने इफ्तिताह किया। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का आगाज। पाकिस्तान बैतुल माल बच्चों को मुफ्त तालीम देगा। निजी बैंक के जरिए मुस्तहिक खवातीन को रकम दी जाएंगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा और एमडी बैतुल माल आमिर फिदा पराचा की ब्रीफिंग। सरकारी और रिटायर्ड मुलाजमीन के बच्चों को तालीमी वजाइफ देने का फैसला। पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट एक्ट के तहत दरखास्तें तलब। प्राइमरी और मैट्रिक के तुलबा सूबाई बहबूद बोर्ड में दरखास्तें जमा करा सकेंगे। 60% नंबर लेने वाले तुलबा अहल करार। एमपीए सुहेल शौकत भट्ट का हियर गांव का दौरा, तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। साबिक चेयरमैन मलिक रहमत, मलिक सरवर आवान, जब्बार मुगल, शकीब नंबरदार, वसीम अफजल, सलीम मुगल भी हमराह थे।
PHA के तहत माली मजदूर का जलसा, 3500 डेली वेजेस मजदूरों को मुस्तकिल करने का मुतालबा। चेयरमैन PHA यासिर गिलानी, वाइस चेयरमैन हाफिज जिशान रशीद की जलसे में शिरकत। IG आमिर जुल्फिकार की जेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास, पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग और ऑपरेशनल अमूर जेर बहस आए। एडिशनल IG, CCPO और DIGs ने भी शिरकत की। हाईकोर्ट बार में इंसाफ लॉयर्स फोरम के तहत कायदे आजम की सालगिरह की तकरीब, शादाब जाफरी, इश्तियाक ए खान, रबिया बाजवा शरीक हुई। MSF के जेर एहतमाम मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में तकरीब, कायदे आजम और मियां नवाज शरीफ की सालगिरह का केक काटा गया। राणा अरशद, शहजाद खान, बॉबी गुजर शामिल हुए। चीन से आए कानूनी माहरीन का सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री का दौरा, 6 रुकनी वफद ने बार रूम और कोर्ट रूम देखा। उधर DIG सिक्योरिटी महमूद रशीद की रजिस्ट्रार हाईकोर्ट से मुलाकात हुई, सिक्योरिटी समेत दीगर अमूर पर बातचीत। बेनजीर भुट्टो शहीद के योम शहादत में शिरकत के लिए काफिले गढ़ी खुदाबख्श रवाना, लाहौर के जियाले ट्रेन पर सवार, 27 दिसंबर की तकरीब में शरीक होंगे। मसीही भाइयों से इजहार यकजहती, शहर में 1 जनवरी तक क्रिसमस मेट्रो बस चलेगी, चेयरपर्सन पंजाब ओवरसीज पाकिस्तानीज कमीशन तारिक महमूदुल हसन ने इफ्तिताह किया।